गायब होने से पहले हनीप्रीत का आखिरी ठिकाना। हनीप्रीत का इकलौता राजदार, वो थोड़ा सा परेशान जरूर दिखाई दे रहे थे। लापता हनीप्रीत का आखिरी राज, वो पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर उसके नाम के अलर्ट है, और वो कहां अंडरग्राउंड है ये कोई नहीं जानता है। बलात्कारी बाबा राम रहीम की बेटी हनीप्रीत ने हरियाणा पुलिस के पसीने छुड़ा रखे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हनीप्रीत 25 अगस्त को ही पुलिस की गिरफ्त में आ सकती थी, तब वो रोहतक जेल में थी, लेकिन पुलिस वाले उसे खुद जेल से बाहर छोड़कर आए। उसके बाद एक फोन आया और फुर्र हो गई राम रहीम की रहस्यमय बेटी। हनीप्रीत के इकलौते राजदार से सुनिए उसके गायब होने की पूरी कहानी। लापता होने से पहले हनीप्रीत की आखिरी तस्वीर, लापता होने से पहले हनीप्रीत का आखिरी वीडियो। लापता होने से पहले हनीप्रीत की आखिरी चिट्ठी। हनीप्रीत के आखिरी चार घंटे का रहस्य। लगभग 40 से 50 मिनट मेरे घर पे रहे हैं, और जिसमें वो रूम में थे और हम बाहर थे। राम रहीम की बेटी हनीप्रीत के गायब होने की पूरी कहानी। कमरे के अंदर हनी जी अकेली ही थी, और आने के बाद वो जिस चेयर पे पहले बैठ गई, आते ही वो दरवाजा बंद कर दो और बस मुझे अकेला छोड़ दो, वो अंदर अकेले ही रह गए दरवाजा बंद करके। हम कैमरे पर हनीप्रीत का इकलौता राजदार, वो थोड़ा सा परेशान जरूर दिखाई दे रहे थे, उन्होंने किसी से बात नहीं की। लापता हनीप्रीत का आखिरी राज। इस वीडियो को गौर से देखिए, ये वो वीडियो है जिनमें बलात्कारी बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को आखिरी बार देखा गया था। 25 अगस्त की इन तस्वीरों में हनीप्रीत लाल बैग और चेक वाले सूट में दिख रही है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हनीप्रीत 25 अगस्त की रात करीब 9 बजे रोहतक जेल से बाहर निकली थी। हनीप्रीत सफेद रंग की जिस गाड़ी में सवार थी, उस गाड़ी में हनीप्रीत के साथ मौजूद थे राम रहीम के दो भक्त वेद प्रकाश और जीतेंद्र। इनके अलावा एक और शख्स उस गाड़ी में सवार था जिसका नाम है संजय चावला। हनीप्रीत को बाबा राम रहीम के ये तीनों भक्त ही रोहतक जेल से बाहर लेकर आए थे। सफेद रंग की एक गाड़ी में सवार हनीप्रीत को बाकायदा पुलिस सुरक्षा के पहरे में जेल से बाहर लाया गया था। उन्होंने हमें हमारे से जो साइन करने के लिए बोला था, हमने पूछा ये किस लिए, तो उन्होंने बोला ये फॉर्मेलिटी है ताकि हम अपने रिकॉर्ड में ये रख सकें कि गुरुजी की बेटी यहाँ आई थी और हमने उनको सुरक्षित यहाँ से भेज दिया, इन इन लोगों के साथ गया, ये रिकॉर्ड में रखा जाता है। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को रोहतक में आखिरी बार बाबा के तीन भक्तों वेद प्रकाश, जितेंद्र और संजय चावला के साथ देखा गया था। उसके बाद वो कहां गई कोई नहीं जानता। फिलहाल वो कहां छुपी हुई है ये भी कोई नहीं जानता। एबीपी न्यूज की टीम ये पड़ताल करने के लिए निकली थी कि जेल से निकलने के बाद बलात्कारी बाबा की बेटी हनीप्रीत कब और कैसे लापता हुई। इस पड़ताल के दौरान हमारे संवाददाता विवेक शर्मा रोहतक में जा पहुंचे बाबा के भक्त संजय चावला के घर। रोहतक के आर्य नगर में रहने वाले संजय चावला ही वो शख्स हैं जिनके घर में जेल से निकलने के बाद करीब 40 मिनट तक रुकी थी हनीप्रीत। मतलब ये कि संजय चावला ही वो इकलौता शख्स है जिसने हनीप्रीत को लापता होने से पहले अपने घर में पनाह दी थी। आप भी सुनिए हनीप्रीत के लापता होने की पूरी कहानी राम रहीम के भक्त संजय चावला की जुबानी। संजय चावला के मुताबिक ये कहानी शुरू हुई 25 अगस्त को शाम के करीब 7 बजे। उस वक्त वो अपने घर में बैठे थे, तभी इनके फोन की घंटी बजी और इन्हें रोहतक जेल जाने का हुक्म मिला। सब तारीख 25 तारीख थी, 25 अगस्त जिस दिन
गुरु जी का फैसला हुआ था, तो शाम का समय था, लगभग 7 बजे हम अपने घर पे थे। और 19 अगस्त को मेरी मदर एक्सपायरी हुई थी सुबह 6 बजे, तब से लेके और कल शाम को लगभग 5-6 बजे तक मैं वहीं पर था। तो शाम का समय था लगभग 7 बजे, सारे रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि 26 तारीख को मेरी मदर की तहरीमी थी, जो रसम उठाला बोला जाता है, वो थी। तो इसके लिए सभी परिवार, जो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, सिस्टर वगैरह, दामाद वगैरह घर पे आने शुरू हो चुके थे। और शाम का 7 बजे का लगभग 7 के बाद 7:15 या 7:30 ऐसा टाइम रहा होगा जब हम घर पे बैठे थे, तो अचानक मेरे पास फ़ोन आता है। तो फ़ोन विपसना जी का था, जो नंबर मैंने दिया भी है, तो वो मुझे बोलते हैं कि संजय जी आप सुनारे जाओ। संजय चावला डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी हैं। बाबा राम रहीम को गुरु की तरह पूजते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहानी बयान की वो बेहद चौंकाने वाली है। संजय के मुताबिक 25 अगस्त की शाम इन्हें डेरा सच्चा सौदा सिरसा से किसी महिला ने फोन किया था। फोन करने वाली महिला ने अपना नाम विपश्यना बताया, जो बलात्कारी बाबा राम रहीम के बेहद करीबी मानी जाती हैं। विपश्यना ने संजय चावला को फोन पर बताया था कि राम रहीम के साथ आई बेटी हनीप्रीत उनके साथ जेल में है और उन्हें बाहर लेकर आना है। फोन आया उनका, तो उन्होंने बोला जी ऐसा गुरुजी को रोहतक जेल में, सुनहरे जेल में लाया गया है, उनके साथ उनकी बेटी हनीप्रीत जी भी आई हैं। तो मैंने बोला ठीक है जी, लेकिन आपको ये करना है कि आप, वो इस समय सुनहरे जेल में बाहर खड़े हैं, तो आप उनको जाके ले आओ। संजय चावला के मुताबिक इस घटना के करीब हफ्ते भर पहले यानी 19 अगस्त को ही इनकी माँ का देहांत हुआ था। घर में मातम पसरा हुआ था, पूरा परिवार सदमे में था। अगले दिन 13वीं की रस्म होनी थी। संजय चावला अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों के साथ 13वीं की तैयारियों में जुटे हुए थे, लिहाजा उस वक्त घर से निकलना बेहद मुश्किल था। ये बात इन्होंने फोन करने वाली महिला को भी बताई, लेकिन वो इनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने बोला जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मेरी मदर एक्सपायर हो चुके हैं और कल उनकी तैयारी है, सभी रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब कल की तैयारियाँ लगी हुई हैं, जो भी होता है उस समय पे, बहुत सा कुछ काम होता है सब। तो वो कहते जी नहीं जी, आप थोड़ी सी हमारी मजबूरी को समझो, हम आपकी मजबूरी भी समझ रहे हैं। मैंने उनको बोला भी आप किसी और को बोल दो जी, आप हमारी बात को, मजबूरी को समझ नहीं रहे हो कि मैं इसमें कहाँ बैठा हूँ और इस समय पर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने बोला नहीं जी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ही समय लगेगा, उनको बाहर से लेके आना है और हमारी गाड़ी जब तक आ रही है तो आप ले आओ। और जब मैंने उनको 2-3 बार बोला कि आप किसी और को क्यों नहीं भेजते, तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरी पहले 2-3 जगह बात हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन बंद आ रहे हैं और कुछ लोगों से जो कॉन्टैक्ट हुआ तो वो शहर से बाहर बता रहे हैं, तो इसलिए हमें मजबूरी है और हमें ये पता लगा कि आप रोहतक में ही हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो मुझे शायद ये भी डाउट हुआ कि उनको ये भी शायद इस चीज़ का आइडिया था कि इनकी मदर एक्सपायर है, ये रोहतक ही मिलेंगे, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते, ये वहाँ जरूर मिलेंगे। संजय चावला का कहना है कि ये पहले से ही परेशान थे, लेकिन फोन करने वाली महिला की बातें सुनकर हैरान रह गए। खुद को डेरे की मैनेजर बताने वाली विपश्यना ने साफ साफ कह दिया कि वो डेरा सच्चा सौदा के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। संजय चावला के मुताबिक इन्होंने जब ये दलील दी कि इनके पास गाड़ी नहीं है, तो इसका जवाब भी उस महिला के पास पहले से ही तैयार था कि मैं मान लेता हूँ, चलो मैं उनको ले आता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, मैं उनको लेके कैसे आऊँगा। तो उन्होंने बोला जी गाड़ी की आप चिंता ना करो, गाड़ी हमने वहाँ भेज दी है, 2 लोग गाड़ी लेकर वहाँ पहले पहुँच चुके हैं, लेकिन वो प्रॉपर रोहतक से नहीं है, इसलिए उनको प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉपर रोहतक से लोकल हैं, आप उनकी हेल्प करिए, जाके आप उनके पास चले जाइए और उनको मैं आपका नंबर दे चुकी हूँ, वो अभी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनसे मिल लेना और उनके साथ जाके और उनकी हेल्प कर देना, भाई इतना सा काम करना है, उसके बाद हम गाड़ी भेज रहे हैं, जब तक आप उनको लेके आओगे गाड़ी आ जाएगी, वो उनको ले जाएगी। तो मैंने जो परिवार वाले वहीं बैठे थे, तभी फ़ोन अभी होल्ड पर ही था, उनसे मैंने कहा जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा उनको लगा, लेकिन जब ये बात आई कि रात का समय हो चुका है और वो बाहर खड़े हैं हमें जैसे बताया गया था, तो उनका जी अगर ऐसी बात है तो अगर वो बाहर खड़े हैं तो समय ठीक नहीं है, रात का समय है, शहर से काफ़ी बाहर जंगल का एरिया है, सुनसान एरिया है, तो ऐसा सेफ नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, अगर वो कह रहे हैं गाड़ी आ रही है और आप उनको लेके आने और वहाँ पर लेने वाले बंदे तो पहले खड़े हैं, गाड़ी पहुँची हुई है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ। तो एक इंसानियत के नाते मैं, हम जैसे परिवार ने अलाउ किया, तो मैं चला गया। बाबा गुरमीत राम रहीम के अनुयायी संजय चावला के मुताबिक ये उस वक्त अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे।
डेरा सच्चा सौदा से फोन करने वाली महिला इनकी पारिवारिक परेशानियों के बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। संजय चावला ने यहाँ तक कहा कि इनका छोटा सा घर है, घर तक पहुँचने का रास्ता भी अच्छा नहीं है। ऐसे में बाबा राम रहीम की बेटी हनीप्रीत को अपने घर लाना इनके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो ने बोला कि आप ऐसा करो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इतनी हमारी मदद की है, तो आप प्लीज थोड़ा सा काम और कर दो, आधा घंटा इनको जैसे तैसे करके आप अपने घर ले जाओ। तो मैंने इनको बताया कि मेरा घर इतना सेफ नहीं है, लोकेशन अच्छी नहीं है, एरिया भी इतना साफ नहीं है, छोटा सा मेरा घर है, भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी गाड़ी बस जितनी जल्दी हो सकती है मैं भेज रही हूँ। उनको मैंने इस बीच में ये भी रिमाइंड करवाया कि आपको ये भी पता है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे मदर की कल 13वीं है और रिश्तेदार वहाँ पर वेट कर रहे हैं। आपके कहने पे आपने कहा थोड़ा सा समय लगेगा, मैं वहाँ पर गया लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया, इस चीज़ को भी समझो, मेरे लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। तो लेकिन उनको मैंने उन बताया था, कहते नहीं हम अभी जितना जल्दी हो सकते गाड़ी वालों को भेज रहे हैं, और मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनको लोकेशन समझा देना, वो आके ले जाएंगे। तो ठीक है, उसमें मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अब जैसे तैसे करके उस काम को निपटाना था, तो मैं उसमें जो मजबूरी मेरी थी उनको मैं लेके आया। बाबा गुरमीत राम रहीम के भक्त रहे संजय चावला के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो किसी भी तरह अपने घर से रोहतक जेल तक पहुंचते। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात थे, जेल के आसपास तो चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम थे, इसके बावजूद संजय चावला किसी तरह अपने घर से निकले और जैसे तैसे जेल के बाहर पहुंचे। संजय के मुताबिक वहां इन्हें दो लोग मिले जिनके नाम जितेंद्र और वेद प्रकाश थे। फोर्ड फिगो थी, नंबर मुझे शायद याद नहीं है, वाइट कलर की थी, उसमें जो जितेंद्र जी की थी और वहां पर दूसरे वेद प्रकाश जी थे उनके साथ, वो वहां पर खड़े हुए थे। तो वेद जितेंद्र जी को तो हमने गाड़ी के पास ही छोड़ दिया क्योंकि गाड़ी उनकी थी, तो वो ड्राइव कर रहे थे, चाबी उनके पास थी, तो उनको ये बोला गया कि हम जा रहे हैं और जैसे ही अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको फ़ोन करेंगे, गाड़ी लेके आ जाना। तो हम वहाँ से जो आर्मी का नाका वगैरह लगा हुआ था जहाँ पर पुलिस खड़ी थी वहाँ पर उनसे पहुँचे, हमने जब उनसे बात की कि जैसे जैसे हम आए हैं और हमें ये बोला गया है कि गुरु जी की बेटी अंदर है हनीप्रीत जी, उनको आपने लेके आना है। वो बोले जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं है, किसी भी लोगों को अंदर जाने की इसमें परमिशन नहीं है। तो एक दो बार उनके बोलने पर उन्होंने बोला जी अगर आपका ऐसा कुछ है तो कोई लोग अगर आपके अंदर हैं आप उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि वो बाहर आ जाए, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो जो मेरे साथ वेद जी थे उनके पास नंबर था शायद, जो अंदर थे उनका नंबर था या किसी अधिकारी का नंबर था मुझे नहीं पता, वो बकायदा उस पर बार बार बात कर रहे थे। तो काफ़ी बार उन्होंने बात की है जी बाहर नाके पे खड़े हैं जी, उन्होंने ये भी बोला कि आप अंदर आ जाए, उन्होंने बोला जी हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा और हम यहाँ खड़े हैं, ये बोलते हैं कि उनको बोलो वो बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था वहाँ पर, तो समय लग रहा था उसमें काफ़ी। बलात्कारी बाबा की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को तीन लोग जेल से बाहर लेकर आए थे, लेकिन उन तीनों का हनीप्रीत के साथ कोई रिश्ता नहीं था। खुद हनीप्रीत ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि वो उन तीनों को जानती तक नहीं है। फिर पुलिस ने हनीप्रीत से लिखवाई एक चिट्ठी, क्या है उस चिट्ठी का राज? 25 अगस्त को रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था बलात्कारी बाबा राम रहीम। जेल की ड्योढ़ी के नजदीक एक कमरे में बैठी थी बाबा की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और जेल के बाहर थी चाक चौबंद सिक्योरिटी। हनीप्रीत को जेल से अपने घर लाने वाले डेरा प्रेमी संजय चावला का कहना है कि जेल के बाहर तीन नाके लगाए गए थे, नाके पर तैनात जवानों ने इन लोगों को जेल से काफी दूर रोक दिया था, काफी देर तक इंतजार किया, न जाने कितने लोगों को फोन किया, तब कहीं जाकर ये लोग जेल के अंदर पहुंच पाए। लेकिन अंदर से गाड़ी आती है, वो पूछते हैं जी आप लोग लेने आए हो? हमने कहा जी हाँ हम लेने आए हैं। तो उन्होंने मेरा भी नाम पूछा, जो मेरे साथ वेद जी थे वेद प्रकाश जी उनका भी नाम पूछा, और उन्होंने कहा ठीक है जी आप ऐसे करो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और अंदर चलो। वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा के चले, तो वहाँ से जब चले तो एक नेक्स्ट नाका और था जो जेल का मेन गेट है उसके पास, वहाँ पर गाड़ी रुकी है, और उन्होंने हमारे से पूछा जी आप फिर लेके कैसे जाओगे उनको? हमने कहा जी गाड़ी तो हमारी बाहर खड़ी है, काफ़ी दूर खड़ी हुई है क्योंकि नाका बहुत दूर दूर तक नाके लगा रखे हैं, अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा गाड़ी को आना, हम भी बाहर आपकी वेट में 1.5 घंटे से ज़्यादा से खड़े हैं, अब आप लोग आए हो तो गाड़ी तो हमारी बाहर ही खड़ी है, तो या तो वो पैदल जाएंगे या आप छोड़ के आओगे, कभी आप देखो कैसे करोगे। तो उन्होंने अपने किसी सीनियर से बात की कि ऐसे ऐसे बात है जी दो लोग आए हुए हैं उनको लेने के लिए, वो अंदर हैं,
तो अब आप हमें ये गाइड कीजिए कि हम उनको बाहर छोड़ के आएँ या गाड़ी को अंदर लाया जाए। तो उनके शायद सीनियर ने किसी ने जो भी था किससे बात हुई मुझे नहीं पता, ये शायद ये कहा कि आप गाड़ी को अंदर ले आओ। वो फिर वापस हमारे साथ गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा जी हमारे साथ वापस चलो, हम आपकी गाड़ी को अंदर लेके आते हैं। वापस वो हमारे साथ गए और वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ भी आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह नाका लगा हुआ था, तो वहाँ भी उन्होंने किसी अधिकारी से बात की और बाकायदा अंदर से जो सीनियर से जो उनकी बात हुई थी उनसे भी बात करवाई। उसके अलाउ करने के बाद उन्होंने हमारी गाड़ी अंदर आने दी। हनीप्रीत के आखिरी राजदार संजय चावला के मुताबिक घंटे भर की मशक्कत के बाद इन लोगों को उस जगह तक पहुंचने की परमिशन मिली जहां हनीप्रीत मौजूद थी। लेकिन जेल में उस वक्त अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब हनीप्रीत ने पुलिस के सामने अपने मददगारों को ही पहचानने से इनकार कर दिया। वहां पर पहुंचे तो अधिकारी वगैरह जो काफी खड़े थे ऑफिसर्स वगैरह सभी ने पूछा, हमारे नाम वगैरह पूछे, मुझसे भी पूछा गया कि आप क्या पर्सनली इनको जानते हो। मैंने कहा जी मैं नहीं जानता इनको पर्सनली नहीं जानता, सिर्फ इतना पता है कि ये गुरुजी की बेटी है। तो उनसे जो दूसरे थे उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी यही कहा कि पर्सनली तो मैं भी नहीं जानता लेकिन हमें किसी ने भेजा है वो जानते हैं। फिर हनी जी से पूछा गया, हनीप्रीत जी से, क्या आप लोग इनको पर्सनली जानते हो। उन्होंने कहा जी मैं नहीं जानती। तो उन्होंने कहा जी अगर आप एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं तो हम ऐसे अलाउ नहीं करते आपको भेजने के लिए। तो जो मेरे साथ भेजी थे उन्होंने कहा जी मैं फ़ोन पर बात कराता हूँ, जिसने हमें भेजा है मैं उनकी बात करवा देता हूँ, वो इनसे बात करेंगे तो उसके बाद आप देख लेना। तो हनी जी की उन्होंने बात करवाई तो वो उन्होंने कहा ठीक है जी ये नाम है आप इनके साथ जा सकते हो। संजय के मुताबिक वहां मौजूद पुलिस वालों ने हनीप्रीत से ये पूछा कि क्या आप संजय और वेद प्रकाश को जानती हैं, जिस पर हनीप्रीत ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन बाद में किसी शख्स से फोन पर बात होने पर हनीप्रीत संजय और वेद प्रकाश के साथ गाड़ी में जाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद पुलिस ने हनीप्रीत से एक चिट्ठी लिखवाई और संजय चावला समेत सभी को उस पर दस्तखत करने को कहा। चिट्ठी का मजमून कुछ यूं था, मैं हनीप्रीत इंसा गुरमीत राम रहीम इंशा की बेटी सही सलामत हूं और विकास 3/783 फतेहाबाद के साथ जा रही हूं। संजय चावला के मुताबिक रोहतक जेल से जिस गाड़ी में हनीप्रीत बाहर निकली थी उसमें 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक खुद हनीप्रीत, उसका सिक्योरिटी गार्ड और 3 मददगार थे, संजय चावला, वेद प्रकाश और ड्राइवर जितेंद्र। कुछ दूर तक पुलिस की गाड़ी भी साथ आई थी लेकिन बाद में वो गाड़ी वापस लौट गई। उसके बाद हनीप्रीत को रोहतक की जेल में संजय चावला के घर लाया गया। संजय चावला के मुताबिक उसके घर पर हनीप्रीत चुप रही, किसी से कुछ नहीं बोली। ये जरूर था कि वो थोड़ा सा परेशान जरूर दिखाई दे रहे थे, उन्होंने किसी से बात नहीं की क्योंकि हम लोगों की जो हम तीनों लोग थे यहाँ के वो उनके लिए अननोन थे और हमारे से उन्होंने कोई ऐसी कुछ पूछताछ नहीं की कि कुछ माहौल के बारे में या कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछा। वो गाड़ी में आगे बैठ गए और वो यहाँ रोहतक में आए तो मेरे घर पे आए तो वो भी अंदर जाके कमरे में बैठ गए। देखो हमारे परिवार से किसी से उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही मेरे किसी बच्चों से बात की, ना मिसिस से कोई बात की। मिसिस का जैसे मैंने बताया वो एक बार पानी पूछने के लिए गई थी क्योंकि वो लेडीज़ के पास सही होता है, वो हमने उनको बोला जा पानी वानी पूछ लो अगर वो लेते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा फ्रूट भी लेके गए तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया, वो प्लेट उन्होंने ऐसे ऐसे वापस भेज दी और उन्होंने बोला जी आप प्लीज़ आप थोड़ी देर मुझे बैठने दो और मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। अकेले कमरे में थे जब वो दो लोग आए हैं तो वो लोग उस कमरे में गए हैं, उसके अलावा उस कमरे में कोई नहीं गया। वो दो लोग आए हैं वो गए हैं और लगभग 10 मिनट हार्डली रुके होंगे, उसके बाद उन्होंने पूछा जी हमें जाना। संजय चावला ने बताया कि 40 मिनट बाद उनकी किसी से फोन पर बात कराई गई जिन्होंने हनीप्रीत और उनके दो साथियों को जींद हिसार हाईवे पर लाने को कहा। जींद हिसार हाईवे पर हनीप्रीत के लिए 6-7 गाड़ियां मौजूद थीं और उन्हीं में से एक गाड़ी में हनीप्रीत सवार हो गई। हमने फिर गाड़ी को वहां भिजवाया जींद भाई पर जो अपना घोड़ा रोड पे विटा मिल्क प्लांट से आगे चौक है गोल चक्कर, वहां से उनको टर्न करवा दिया गया जींद हिसार की तरफ और इतनी देर में उधर से कुछ गाड़ियां आई हैं उनके साथ वो चले गए। उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं समझी उनसे बात करने की क्योंकि मैं आपको पहले टाइम से बता चुका हूँ कि मेरे घर में मेरी माता की तैयारी थी। सर जब गाड़ियां आई कितनी गाड़ियां थी उस वक्त? गाड़ी करीबन सर 7-8 गाड़ियां जरूर रही होंगी क्योंकि रात का समय था, अंधेरा था और हम अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, हमें कोई जरूरत नहीं समझी उतरने की, वो क्योंकि इनोवा गाड़ी में थे वो उसमें अपना उनकी गाड़ी के साथ मैच करके चले गए। हमें तो बस ये था फटाफट जैसे काम निपटे हम निकल गए सर की तरफ, वो गाड़ी चली गई सारी। हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत पर लुकआउट नोटिस जारी किया है, संजय चावला से पूछताछ की जा चुकी है लेकिन कोई नहीं जानता कि जींद हिसार हाईवे पर गाड़ियों के काफिले में सवार होकर हनीप्रीत कहां गायब हो गई।
हरियाणा पुलिस अब सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने में लगी हुई है। अभी तक हरियाणा पुलिस को हनीप्रीत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, पर सवाल यह है कि आखिरकार हनीप्रीत गई तो गई कहाँ, कहाँ छुपी हुई है हनीप्रीत, यह सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा नजर आ रहा है। कैमरा सन डीसी मंजू के साथ विवेक शर्मा। हनीप्रीत के राजदार संजय चावला की बातों से साफ है कि बलात्कारी बाबा की बेटी को अंडरग्राउंड करने की पूरी प्लानिंग डेरा सच्चा सौदा में ही हुई थी। गुरमीत सिंह राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे में बैठे उसके करीबी लोगों का एक ही मकसद था कि हनीप्रीत को किसी भी कीमत पर सही सलामत रोहतक जेल से बाहर निकालना और फिर उसे किसी महफूज ठिकाने तक पहुंचाना, ऐसा ठिकाना जहां तक लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ना पहुंच पाए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।